नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। सुपर फास्ट खबरों के बुलेटिन एवं तेज में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं सुपर फास्ट अंदाज में खबरों का सिलसिला। दुनिया भर में बढ़ता जा रहा कोरोना का खतरा। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10 करोड़ 96 लाख के पार, तो वहीं अब तक 24,18,000 लोगों ने गंवाई अपनी जान। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के प्रयास तेज। दुनिया भर में कोरोना से 8 करोड़ से अधिक मरीज हुए स्वस्थ, तो वहीं 2 करोड़ 28 लाख से ज्यादा लोगों का उपचार अभी भी जारी। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ के पार। देश भर में कोरोना से अब तक 1 करोड़ 9 लाख से ज्यादा लोग हुए संक्रमित, तो वहीं मरने वालों की संख्या पहुंची 1.5 लाख के पार। भारत में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के प्रयास जारी। 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ, तो वहीं 1,36,000 से ज्यादा लोगों का हो रहा इलाज। सीरम की वैक्सीन को WHO से ग्रीन सिग्नल। पूरी दुनिया में लगेगी सीरम की वैक्सीन। WHO ने दी आपात इस्तेमाल की मंजूरी। नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर गतिरोध बरकरार। फेसबुक और व्हाट्सएप को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। नई प्राइवेसी पॉलिसी पर मांगा जवाब। बैंकों के निजीकरण की कवायद शुरू। निजीकरण के लिए 4 बैंक शॉर्टलिस्ट। बैंकों के नामों की नहीं हुई फिलहाल औपचारिक घोषणा। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भीषण सड़क हादसा। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर टेम्पो ट्रेलर और कार की जबरदस्त टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौत, वहीं 5 अन्य घायल। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी। 18 फरवरी को चलाया जाएगा रेल रोको आंदोलन, तो वहीं 28 फरवरी को होगी आपकी महापंचायत। यूपी के आगरा में बैंक लूट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बदमाशों ने बंदूक की नोक पर की थी लूटपाट। इरादतनगर नगर क्षेत्र के खीरिया में दिया गया था वारदात को अंजाम। देश भर में मनाया गया बसंत पंचमी का पर्व। राष्ट्रपति कोविंद और पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं, तो वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी दी शुभकामनाएं। उल्लास के साथ मनाया गया बसंत पंचमी का पर्व। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी शुभकामनाएं, कहा प्रदेशवासियों के जीवन में नई ऊर्जा, उमंग, उल्लास और उत्साह का संचार करेगी बसंत ऋतु। 16 फरवरी से पूरे देश में फास्टैग अनिवार्य। बिना फास्टैग लग रहा 2 गुना जुर्माना। आधी रात से सभी वाहनों के लिए नियम हुआ लागू। हम नहीं रहा पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला। आज फिर पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा। पेट्रोल में 31 पैसे तो डीजल में 38 पैसों का हुआ इजाफा। अलवर के भिवाड़ी में बदमाशों का आतंक। बदमाशों ने दुकान पर की फायरिंग। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बाड़मेर के बालोतरा में नाहटा अस्पताल में लगी आग। ऑपरेशन थिएटर में आग लगने से मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। एमपी के रायसेन बेगामगंज तहसील के कई गांवों में ओलावृष्टि। किसानों की फसलें हुई खराब। चने के आकार के गिरे ओले। तेज बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को लाखों रुपए के फसल के नुकसान का अनुमान। यूपी के आगरा में मामूली विवाद ने पकड़ा तूल। 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बारा के मांगरोल में धड़ल्ले से चल रहा अवैध मिट्टी खनन का कार्य। निजी भूखंडों पर हो रहा खुलेआम खनन। प्रशासन नहीं ले रहा मामले की सुध। राजसमंद के बुढ़ान मार्ग पर अज्ञात वाहन की चपेट में आया जरख। हादसे में जरख की हुई मौत। वन विभाग की टीम ने ली घटना की जानकारी। अजमेर के नसीराबाद में छावनी प्रशासन की लापरवाही। सड़क पर फेंका जा रहा खाने पीने का सामान। प्रशासन नहीं दे रहा मामले में ध्यान। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानूनों का देश भर में विरोध। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट पहुंचे अजमेर। किसान आंदोलन का किया समर्थन। अजमेर में नगर निगम के नए बोर्ड की बैठक का आयोजन। मेयर ब्रजलता हाड़ा ने सभी पार्षद और अधिकारियों से की बैठक। आमजन को राहत देने पर हुआ विचार विमर्श। बाड़मेर के सिंधरी थाना क्षेत्र में बस और कंटेनर की जबरदस्त टक्कर। हादसे में 1 की मौत, कई लोग घायल। सभी घायलों का उपचार जारी। नसीराबाद के बलवंता गांव के पास भीषण सड़क हादसा। ट्रेलर ने कार और पिकअप को मारी टक्कर। हादसे में 8 लोग घायल। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में रफ्तार का कहर। टेम्पो और बाइक के बीच हुई जबरदस्त टक्कर। हादसे में पिता समेत 2 पुत्र घायल। भरतपुर की बयाना कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हत्या के मामले में फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। 18 साल से चल रहा था फरार।
अजमेर में किशनगंज थाना पुलिस की कार्रवाई, मादक पदार्थ तस्करी के आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपी से 200 ग्राम अफीम की बरामद। सिरोही में बसंत पंचमी पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन, गांधी पार्क में की गई मां सरस्वती की पूजा अर्चना, लोगों ने विचार किए व्यक्त। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया बसंत पंचमी का पर्व, जयपुर के गोविंददेव जी मंदिर में भगवान को कराए पीत वस्त्र धारण, भगवान का किया गया पंचामृत अभिषेक। बारां के शाहबाद में पाइपलाइन के लिए खोदी गई सड़क बनी परेशानी का सबब, अब तक नहीं हुई सड़क की मरम्मत, प्रशासन नहीं ले रहा मामले की सुनवाई। अजमेर में मेहनताने के लिए तरसा शवों का परिवहन करने वाला युवक, कोरोना संक्रमण काल में दी थी अस्थायी सेवाएं, प्रशासन ने मामले में साधी चुप्पी। झालावाड़ के डग में राम मंदिर निधि संग्रह को लेकर लोगों में उत्साह है, सुशील बाई ने सबरी की तरह पांव पखार कर किया स्वागत, 4 महीने की पेंशन की राम मंदिर निर्माण के लिए भेंट। झुंझुनू में कोतवाली से चंद कदम दूरी पर सरकारी नियमों को दिखाया जा रहा ठेंगा, रात 8 बजे बाद भी व्यक्ति है धड़ल्ले से शराब, प्रशासन नहीं ले रहा कोई सुध। बारा के शाहबाद में गहराता जा रहा पेयजल संकट, महिलाओं ने जलदाय विभाग कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन, समस्या का समाधान ना होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन वितरण में बुजुर्ग और दिव्यांगों को बड़ी राहत, घर बैठे राशन प्राप्त करने की मिली सहूलियत, डूंगरपुर जिला रसद अधिकारी हजारीलाल आलोरिया ने दी जानकारी। बाड़मेर के चौहटन में बेर की परम बम्पर पैदावार, आत्मनिर्भर किसान ने खेत में लगाए सैकड़ों बेर के पौधे, प्रतिदिन हो रही हजारों रुपए की कमाई। जयपुर के बस्ती में बेर की खेती पर किसानों का नवाचार, तकनीकी माध्यम अपनाने से हुई मुनाफे की शुरुआत। उदयपुर में अवैध लकड़ी परिवहन पर वन विभाग की कार्रवाई, अवैध लकड़ी परिवहन करते ट्रक सहित 2 आरोपी गिरफ्तार, नीलगिरी पेड़ की लकड़ी चित्तौड़ से गुजरात ले जा रहे थे आरोपी। राम मंदिर निर्माण के लिए लोगों का बढ़ चढ़कर योगदान, डूंगरपुर के वागड़िया पाटीदार समाज ने 16,12,000 रुपए की निधि में किए समर्पित। पाली के बर में चोरों का आतंक, चोरों ने सूने मकान को बनाया निशाना, जेवरात और नकदी पर किए हादसा। भीलवाड़ा के सवाईपुर में अफीम के खेत की मेड़ पर नाना पूजा का आयोजन, अफीम ये पौधों की चीरा लगाने से पहले होती है पूजा। बांसवाड़ा के देवदा गांव में 1.5 टन सागवान की लकड़ी बरामद, मुख्य आरोपी हुआ मौके से फरार, कार्रवाई को देख गांव में मचा हड़कंप। झुंझुनू में मोरारका कॉलेज के स्टाफ पर छात्रों का गंभीर आरोप, क्लास लगाने की मांग करने वालों को धमकाने का आरोप, एनएसयूआई ने लगाया आज कॉलेज को ताला। भोपालगढ़ उपखंड अधिकारी जवाहरा राम चौधरी ने किया आसोप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण, सफाई समेत अन्य व्यवस्थाओं का लिया जायजा, मरीजों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने के दिए निर्देश। भरतपुर के रुदाउल में चोरों का आतंक, कपड़े के शोरूम में चोरी की वारदात, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। एमपी के सीधी जिले में बेकाबू होकर बस गिरी नहर में, 3 दर्जन से ज्यादा लोगों की हुई मौत, कई लोग अभी भी लापता, पीएम मोदी ने जताया घटना पर दुख। जम्मू के बिजबिहारा में आतंकवादियों ने किया आईडी विस्फोट, बम विस्फोट में नहीं हुआ कोई हताहत, आतंकवादियों ने टिप्पर वाहन में लगाया था आईडी। यूपी के जालौन में मूसलाधार बारिश और ओलों से किसान हुए मायूस, सूखी मटर की फसल को हो सकता है नुकसान, ग्राम पिंडारी के आसपास गिरे ओले। हरदोई में जली हुई बाइक के साथ मिला युवक का शव, शारदा नहर के किनारे मिला शव, पुलिस जुटी मामले की पड़ताल। वाराणसी में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के ऊपर केस दर्ज, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने को लेकर हुआ दर्ज, मनोज तिवारी ने राहुल गांधी को बताया था चीन का एजेंट, कांग्रेस नेताओं ने दर्ज कराया मामला। यूपी के संभल में फर्जी किडनैपिंग का एक अनोखा मामला आया सामने, 8 साल के बच्चे ने पुलिस के उड़ाए होश, परीक्षा में फेल होने के बाद रची फर्जी किडनैपिंग और अपहरणकर्ताओं से छूट की कहानी, पुलिस ने बच्चे को सौंपा परिजनों को। लखीमपुर खीरी के लाहौरी ग्राम में मिला युवक का सरकटा शव, परिजनों ने पुलिस पर लगाए लापरवाही बरतने के आरोप, परिजनों ने गांव में ही 3 लोगों पर जताया हत्या का
शक। श्रीगंगानगर के घरसाना में 3 एसटीआर गांव में सड़कों का हाल बेहाल, मुख्य मार्ग पर पसरा है कीचड़, वाहन चालकों को हो रही परेशानी। झालावाड़ के डग में बालिकाओं को दिया गया गार्गी पुरस्कार, राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय में हुआ कार्यक्रम, बालिकाओं को प्रशस्ति पत्र किए गए भेंट। सीकर के विद्या मंदिर स्कूल में मनाई गई बसंत पंचमी, विद्यार्थियों ने की मां सरस्वती की पूजा अर्चना, बच्चों ने दी कई कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां। जालौर के बागोड़ा में स्कूल में बच्चों से काम करवाने का मामला, विभागीय अधिकारियों ने कार्रवाई के नाम पर की खानापूर्ति, इस मामले को लेकर परिजनों ने जताया आक्रोश। बूंदी में बसंत पंचमी के अवसर पर बालिकाओं को वितरित किए गए गार्गी सम्मान, महारानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन, पूर्व वित्त राज्य मंत्री हरिमोहन शर्मा और सभापति मधु नुवाल ने दिए पुरस्कार। बूंदी नगर परिषद में सभापति और उपसभापति ने किया पदभार ग्रहण, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ संभाला पदभार, सभापति मधु नुवाल ने विकास को बताया प्राथमिकता। सवाईमाधोपुर के बोली में गार्गी पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन, राजकीय बालिका विद्यालय में किया गया आयोजन, सीबीईओ और सरपंच भी रहे मौजूद। सवाईमाधोपुर जिले के डीएम ने किया बोली सीएससी का औचक निरीक्षण, स्टाफ को दिए व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश, सरपंच और ग्राम विकास अधिकारियों के लिए बैठक। नागौर के मकराना में गार्गी पुरस्कारों का वितरण, 266 छात्राओं को दिया गया पुरस्कार, मकराना तहसीलदार रहे मुख्य अतिथि। भरतपुर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन, कक्षा 6 से 12 तक के छात्राओं ने लिया हिस्सा, राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के तहत हुआ आयोजन। भीलवाड़ा के बनका खेड़ा में चारभुजा नाथ मंदिर में लगाया गया 56 भोग, सुंदरकांड पाठ और हवन का भी आयोजन, मंदिर में की गई महाआरती। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने की अजमेर दरगाह में जियारत, गरीब नवाज में पेश की चादर और मांगी दुआएं, दोनों देशों में अमन चैन की मांगी गई दुआ। भीलवाड़ा के सेठ मुरलीधर मान सिंह का विद्यालय में गार्गी पुरस्कार का किया गया आयोजन, कार्यक्रम में 30 छात्राओं को बांटे गए पुरस्कार, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी हुआ आयोजन। जालौर के रानीवाड़ा में सरस डेयरी के ठेकाकर्मियों ने सौंपा ज्ञापन, डेयरी में निकाली गई भर्ती का जताया विरोध, भर्तियों को निरस्त करने की रखी मांग। भरतपुर के डीग में गार्गी पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन, किशन लाल जोशी राजकीय विद्यालय में हुआ आयोजन, डी कुमेर विधायक विश्वेंद्र सिंह रहे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि। जयपुर के पावटा में शहीद मोहनलाल कपूरिया की मूर्ति का किया अनावरण, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया रहे मौजूद, पिछले साल छत्तीसगढ़ के भिलाई में ट्रेनिंग के दौरान शहीद हुए थे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से अजमेर दरगाह में पेश की गई चादर, एलजेपी के राष्ट्रीय सचिव ने पेश की चादर, देश में अमन चैन की मांगी दुआ। झालावाड़ जिले के गंगधार में चौमेला रोड पर युवक ने लगाई फांसी, पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या, हड़ताल में जुटी पुलिस। भीलवाड़ा में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का किया गया आयोजन, मेले में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, छात्र छात्राओं को भी किया गया सम्मानित। भारत रत्न लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर की ओर से अजमेर दरगाह में पेश की गई चादर, खादिम सैयद फरन ने दोनों की ओर से पेश की चादर, देश में अमन चैन की मांगी दुआएं। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में अवैध ढाबे को प्रशासन ने हटाया, 1 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया, 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। नागौर के पादुकला कस्बे के विद्यालयों में मनाया गया बसंत पंचमी का पर्व, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन, विद्यालय में की गई मां सरस्वती की पूजा अर्चना। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के सरकन कोपचा गांव में कुआं खोदने के दौरान डहा मलबा, हादसे में 1 व्यक्ति की मौत, 1 गंभीर घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। करौली के नादोती उपखंड के कैमरी गांव में बसंत पंचमी के अवसर पर जगदीश मेले का आयोजन, कांग्रेस नेता धीरज गुर्जर रहे मुख्य अतिथि, भगवान जगदीश की रथ यात्रा भी निकाली गई। बाड़मेर के समदड़ी कस्बे में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन, अम्बेडकर टाउन हॉल परिसर में हुआ आयोजन, तहसीलदार और सरपंच भी रहे मौजूद। पाली के झोजावर में नकबजनी करने वाली आरोपी महिला गिरफ्तार, दुकानों में करती थी नकबजनी की वारदातें, आरोपी महिला के पास से 2 तोला सोना और 15,000 की नकदी बरामद। यूपी के शिकोहाबाद में सामूहिक विवाह का आयोजन, सीएम सामूहिक विवाह योजना के तहत हुआ आयोजन, विधायक डीएम भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। एवन तेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी, नमस्कार।